प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हरियाणा में दो रैलियां, 12:30 बजे गोहाना तो दोपहर 2:30 बजे हिसार में रैली। शाम 5 बजे मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली, शिवसेना के कार्यकारी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे भी रहेंगे मौजूद। शनिवार को चुनाव प्रचार थमने से पहले महत्वपूर्ण रैली। महाराष्ट्र के सातारा से पीएम मोदी का कांग्रेस और एनसीपी पर हमला, कहा बांटो और मलाई खाओ, जन भावनाओं को नहीं समझते विरोधी। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की महाराष्ट्र में आज 4 रैलियां, दोपहर 12 बजे अहेरी, 2:15 बजे राजूरा, 3:30 बजे वणी और शाम 6 बजे खापरखेड़ा में जनसभा को करेंगे संबोधित। असम में नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स यानी एनआरसी की अंतिम लिस्ट आने के बाद आज सुप्रीम कोर्ट में पहली सुनवाई। एनआरसी लागू करने में आ रही दिक्कतों पर 2 लोगों ने दाखिल की है याचिका। पूर्वांचल के मऊ सदर विधानसभा के बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी के दिल्ली के वसंत कुंज वाले घर से लखनऊ पुलिस ने 6 असलहे किए बरामद। असलहों के साथ 4,431 कारतूस भी जब्त, कई असलहे विदेशी। पूर्व क्रिकेटर मनोज प्रभाकर और उनके परिवार पर एक बुजुर्ग महिला ने करोड़ों के फ्लैट को कब्जाने का आरोप लगाते हुए पुलिस में मामला कराया दर्ज, पुलिस जांच में जुटी। पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक मामले की सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई, पैसे निकालने पर लगी रोक को दी गई है चुनौती। पाकिस्तान को लेकर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स दोपहर 3 बजे सुनाएगा अपना फैसला। एफएटीएफ अध्यक्ष चीन के झियांगमिन लियू करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। चीन, टर्की और मलेशिया के पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट होने से बचाने की खबर। पाकिस्तान आतंक फैलाने के लिए अफगानी पश्तो बोलने वाले आतंकियों की कर रहा है भर्ती, सूत्रों के हवाले से खबर। आईएसआई ने कश्मीर में आत्मघाती हमलों के लिए कहा। पाकिस्तान ने फिर से कायराना हरकत की, पाकिस्तान के फाइटर जेट F-16 ने नई दिल्ली से काबुल जा रहे स्पाइस जेट के विमान का अपनी हवाई सीमा में करीब 1 घंटे तक किया पीछा। पाकिस्तान के 2 F-16 विमानों ने स्पाइस जेट के विमान को हवा में रोकने की कोशिश की। DGCA ने स्पाइस जेट के 2 पायलटों को 3 महीने के लिए निलंबित किया, दिल्ली एयरपोर्ट के रनवे पर नियमों का किया था उल्लंघन। टेरर फंडिंग मामले में ATS ने 2 और अभियुक्त को किया गिरफ्तार, सिराजुद्दीन और फहीम बरेली से गिरफ्तार, पहले से गिरफ्त में है 5 अभियुक्त। रामपुर उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार भारत भूषण गुप्ता के लिए अभिनेत्री जयाप्रदा ने किया प्रचार, कहा हम राम को मानते हैं तो अल्लाह को भी। अयोध्या मामले की सुनवाई कर चुकी 5 जजों की संविधान पीठ की बैठक खत्म, मीटिंग में अयोध्या से संबंधित सभी पहलुओं पर चर्चा हुई। करवा चौथ पर जल्द घर पहुंचने के लिए रेल मंत्री पीयूष गोयल ने भयंदर से ग्रांट रोड तक मुंबई लोकल ट्रेन में किया सफर, सड़क मार्ग से वक्त पर नहीं पहुंच पाते घर। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने आरोपों पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने किया पलटवार, कहा भ्रष्ट सरकार चलाते थे मनमोहन सिंह, अपनी विफलता को स्वीकार करें। सावरकर के लिए भारत रत्न की मांग पर कांग्रेस का बीजेपी पर निशाना, पूछा गोडसे का सम्मान की बात क्यों नहीं। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने वीर सावरकर पर दिया बयान, कांग्रेस सरकार ने वीर सावरकर के लिए जारी किए थे पोस्टल स्टाम्प। मैं वीर सावरकर के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन उनके हिंदुत्व का हम समर्थन नहीं करते। निर्मला सीतारमण ने हाल ही में IMF की ओर से जारी बयान पर कहा, निवेशकों को पूरी दुनिया में भारत से बेहतर कोई जगह नहीं मिलेगी, यहाँ लोकतंत्र में यकीन करने के साथ ही पूंजीवाद का सम्मान किया जाता है। ऑडिबल लागू होने के बाद दिल्ली की सड़कों पर चलेगी DTC की एक्स्ट्रा बसें, परिवहन विभाग ने 2000 बसें चलाने के लिए दी मंजूरी। केंद्र सरकार जल्द ही मेट्रो ट्रेन के किराए पर कर सकती है बड़ी घोषणा, सरकार की प्लानिंग है कि मेट्रो के सफर में स्टूडेंट्स और सीनियर सिटीजन्स को किराए में राहत दी जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के श्री बैजनाथ ज्योतिर्लिंग देवस्थान के किए दर्शन, परली में की पूजा पाठ। INX मीडिया केस में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम की न्यायिक हिरासत और ईडी हिरासत 24 अक्टूबर तक बढ़ी, प्रवर्तन निदेशालय ने मांगी थी 14 दिन की रिमांड। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की पत्नी लुई खुर्शीद को कोर्ट से बड़ा झटका, घोटाले के आरोप में खारिज हुई जमानत याचिका, पुलिस किसी भी वक्त कर सकती है गिरफ्तार।
31 अक्टूबर को सरदार पटेल की जयंती पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर बड़ा कार्यक्रम, पीएम और गृह मंत्री होंगे शामिल। गृह मंत्रालय का सभी केंद्रीय सुरक्षा बलों को निर्देश, दफ्तर में लगाएं सरदार पटेल के खास संदेश वाली तस्वीर। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बीएसएफ और बांग्लादेश के जवानों के बीच झड़प, फायरिंग में बीएसएफ का एक जवान शहीद, दो घायल। बिहार के सीएम नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम सुशील मोदी समेत 8 लोगों पर पटना के सीजेएम कोर्ट में केस दर्ज किया गया। पटना के लोगों को बाढ़ में भगवान के भरोसे छोड़ने पर दर्ज कराया गया हत्या और हत्या के प्रयास का केस। बहलू खान मॉब लिंचिंग मामले में राजस्थान सरकार ने हाईकोर्ट में पेश की अपील, निचली अदालत से आरोपियों को बरी करने के खिलाफ हाईकोर्ट में गहलोत सरकार ने की अपील। भोपाल नगर निगम को दो भागों में बांटने का विरोध, बीजेपी ने निकाला मशाल जुलूस, भोपाल मेयर आलोक शर्मा, विधायक कृष्णा गौर, पूर्व विधायक सुरेंद्र नाथ सिंह सहित बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता हुए शामिल। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लिखी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी, पीएम आशा योजना में बदलाव की मांग, 25 की जगह 50% दलहन तेलहन समर्थन मूल्य पर खरीदने की मांग। एजेएसयू से निलंबित झारखंड के तमाड़ विधायक विकास मुंडा ने थमा जेएमएम का दामन, सुदेश महतो पर साधा निशाना, कहा कथनी और करनी में अंतर। जम्मू कश्मीर पुलिस ने शोपियन में 2 आतंकियों के पोस्टर किए जारी, सेब व्यापारी और ट्रक ड्राइवर की हत्या में शामिल है ये आतंकी, इनकी पहचान नवीद अहमद बाबू और राहिल अहमद मागरे के तौर पर हुई है। पराली जलाने की समस्या पर काबू पाने के लिए पंजाब सरकार ने ग्राउंड जीरो पर उतारी कर्मचारियों की फौज, 8000 गांव में नोडल ऑफिसर नियुक्त किए गए, किसानों को जागरूक करने के अलावा पराली को आग लगाने के मामलों में नियमों के मुताबिक कार्रवाई के भी आदेश। असम के सोनितपुर में जिया भराली नदी में एक नाव पलटने से हुआ हादसा, रिपोर्ट्स के मुताबिक नाव तेजपुर में लालू तपू के पास बिया गांव से पंच मील जा रही थी, नाव में 70 से 80 लोग सवार थे। राज्य संपत्ति विभाग ने उत्तराखंड के 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों को भेजा वसूली का नोटिस, विभाग ने भगत सिंह कोश्यारी, डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, विजय बहुगुणा को पानी और बिजली का बकाया चुकाने के लिए नोटिस भेजा। सरकारी अफसरों पर मध्य प्रदेश के खाद्य मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर का विवादित बयान, कहा 15 साल में जिन अफसरों की चमड़ी हुई है मोटी उसे कम करने की जरूरत। राजस्थान के जोधपुर मंडी में छिड़ी जंग, मजदूर और ट्रांसपोर्टर के बीच जमकर चली लाठियां, नाराज मजदूरों ने कंपनी के बाहर किया हंगामा। आगरा में ट्यूब से नदी पार कर रहे परिवार के साथ हादसा, बैलेंस बिगड़ने से 5 लोग नदी में डूबे, 4 को बचाया गया, 1.5 साल के मासूम का शव निकाला गया। यूपी के हमीरपुर में घरेलू कलह के कारण पति ने पत्नी को कुल्हाड़ी से काटा, 1 महीने का बच्चा समेत 2 मासूम की जिंदगी अधर में। बिहार के कटिहार में अज्ञात हमलावर सीसीटीवी में हुए कैद, गजरिया टाइल्स कारोबारी डब्बू शाह सहित बीजेपी नेता वीरेंद्र चौधरी को दुकान में घुसकर गोली मारकर भागे। नशीले पदार्थों पर रोकथाम और युवाओं पर दुष्प्रभाव पर रिपोर्ट सीएम कमलनाथ ने की जारी, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक इंदौर जोन के वरुण कपूर और डायरेक्टर यूएमएस इंडिया डॉक्टर विक्रांत सिंह तोमर ने तैयार की है रिपोर्ट। बिहार के खगड़िया में पुलिस ने स्कूल में नशे की हालत में शिक्षक को किया गिरफ्तार, मेडिकल जांच में शराब पीने की पुष्टि। बागेश्वर में तेंदुए का आतंक, 3 साल की बच्ची को घसीट कर खेत पर ले गया, लोगों के शोर मचाने पर बच्ची को छोड़ा। बिहार के नवादा में बच्चों के झगड़े में जमकर हुई गोलीबारी, छर्रे से महिला समेत दर्जन भर लोग जख्मी। कोटा में 25 दिन से शहर की लाइफलाइन सिटी बस सेवा ठप, निगम और संचालन कंपनी के बीच तालमेल नहीं, लोगों को भारी परेशानी। कोटा में डोडा चूरा तस्कर गिरफ्तार, करीब 14 किलो डोडा के साथ जीआरपी ने पकड़ा। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर के नॉनसोल गांव में 100 से ज्यादा हाथियों के एक झुंड ने डाला डेरा, कई बीघे फसल नष्ट, डर से गांव वालों ने घर से निकलना किया बंद। फ्लोटिंग लाइट एंड साउंड शो से रूहानी रंग में रंगा रूपनगर, श्री गुरु नानक देव जी के जीवन पर आधारित है कार्यक्रम। राजस्थान के अलवर में एक दलित दूल्हे और दुल्हन ने शादी में पेश की मिसाल,
दुल्हन बग्घी में सवार होकर पहुंची दूल्हे के गांव, प्लास्टिक पर लगा रहा प्रतिबंध, रिश्तेदारों को गिफ्ट मिले पौधे। चार धाम यात्रा के दौरान केदारनाथ आने वाले यात्रियों की संख्या में रिकॉर्ड वृद्धि, हर रोज 3 से 4 हजार यात्री पहुंच रहे हैं केदारनाथ, प्रशासन के साथ स्थानीय दुकानदार भी खुश। मध्य प्रदेश में आज होगा मैग्निफिसेंट एमपी इन्वेस्टर्स समिट, 900 उद्योगपति समिट में लेंगे हिस्सा, 1,04,000 करोड़ के निवेश के लिए मध्य प्रदेश तैयार, इंदौर में उद्योगपतियों से मिलेंगे सीएम कमलनाथ। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला को 66% इंक्रीमेंट, सालाना सैलरी 300 करोड़ हुई, आय में कंपनी के शेयरों का बड़ा हिस्सा। बेंगलुरु में खेले जा रहे विजय हजारे ट्रॉफी में मुंबई के गोलगप्पे बेचने वाले 17 साल के क्रिकेटर यशस्वी जायसवाल ने झारखंड के खिलाफ 154 गेंद पर 203 रन बनाकर रचा इतिहास, यशस्वी का टूर्नामेंट में अपनी टीम के लिए तीसरा शतक। देहरादून में महिलाओं ने करवा चौथ के त्योहार को हर्षोल्लास के साथ मनाया, सुहागिनों ने पति की लंबी उम्र के लिए की कामना, पति का चेहरा और चांद देखकर खोला व्रत। मुंबई में बॉलीवुड अभिनेता अनिल कपूर के परिवार वालों ने जुहू आवास पर की करवा चौथ की पूजा, कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज आईं। राजस्थान के जैसलमेर में सरहद पर तैनात बीएसएफ की महिला जवानों ने भी मनाया करवा चौथ, पति के गैर मौजूदगी में तस्वीरों से चलाया काम। पूर्व सीएम शिवराज सिंह की पत्नी साधना सिंह ने भी करवा चौथ का रखा व्रत, भोपाल में शिवराज सिंह ने अपने घर पर पत्नी साधना सिंह के साथ करवा चौथ की पूजा की और कथा सुनी। कसौटी जिंदगी की दोस्त से मिस्टर बजाज का किरदार निभा रहे करण सिंह ग्रोवर जल्द ही ले रहे हैं अलविदा, करण ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर अपनी एग्जिट की जानकारी दी।